प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाइए नई नई रेसिपीज वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू भूरी भोजी रेसिपी। आज हम बनाएंगे छोले मसाला। इसको बनाना बहुत ही आसान है, ये खाने में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी है। आज हम बहुत आसानी से रेस्टोरेंट स्टाइल छोले मसाला बना के दिखाएंगे। कम इंग्रेडिएंट्स में भी रेस्टोरेंट स्टाइल बना सकते हो घर पे। रेस्टोरेंट स्टाइल छोले मसाला घर पे बनाने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। पहले एक पेस्ट बना लेते हैं। इसके लिए दो मीडियम साइज का प्याज लिया है और दो मीडियम साइज का टमाटर लिया है और थोड़ा सा अदरक लहसुन और तीन पीस हरी मिर्च लिया है। पहले अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट बना लेंगे, उसके बाद एक एक करके प्याज टमाटर का पेस्ट बना लेते हैं। देखिए पेस्ट बना लिया है, ये अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट है और ये प्याज का पेस्ट है, ये टमाटर का पेस्ट। और उसके साथ लिया है एक चम्मच हल्दी पाउडर, डेढ़ चम्मच लाल मिर्च पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक, एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, एक चम्मच जीरा, दो लौंग्स लिया है और तीन पिंच शुगर लिया है। उसके साथ डेढ़ चम्मच चाय पत्ती लिया है। इस रेसिपी का मेन इंग्रेडिएंट्स है छोले। मैंने एक कटोरी छोले लिया है, इसको मैंने होल नाइट भिगो के रखा था, उसके बाद अच्छे से धो लिया है। देखिए बहुत ही अच्छे से फूल गया है, इसको बॉयल कर लेते हैं। छोले को प्रेशर कुकर में डाल देते हैं। उसके बाद ऐड करेंगे एक गिलास पानी और आधा चम्मच नमक। कुकर की ढक्कन हट के 4 से 5 सीटी देंगे, देने के बाद थोड़ा टाइम के लिए ऐसे ही रख देंगे। तब तक चाय बना लेती हूँ। पैन में 1/2 गिलास पानी डाल देते हैं, पानी में थोड़ा सा उबल आने देते हैं। उसके बाद 1.5 चम्मच चाय पत्ती डाल देंगे। लो फ्लेम पे 2 मिनट के लिए इसके बॉयल कर लेंगे। चाय पत्ती का जो कलर है वो आ जाएगा, देखिए कलर आ गया है। इसको छाननी से छान लेंगे। कुकर को खोल के देखते हैं, देखिए बहुत ही अच्छे से बॉयल हुआ है। अब हम छोले का ग्रेवी बना लेते हैं। इसीलिए कढ़ाई पे 6 चम्मच तेल डाल देते हैं। तेल को अच्छे से गर्म होने देते हैं। तेल गर्म होने के बाद जीरा लौंग शुगर डाल देते हैं। शुगर तेल में घुल जाने के बाद प्याज का पेस्ट डाल देंगे। प्याज को 5 से 6 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। देखिए प्याज का कलर हल्का सा चेंज होने लगा है, इसको ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। देखिए ब्राउन हो गया है। अब हम अदरक लहसुन और मिर्च का पेस्ट डाल देते हैं, इसको भी अच्छे से फ्राई करेंगे। इसका जो रॉ स्मेल है जब तक ना चला जाए तब तक अच्छे से फ्राई करेंगे। फ्राई होने के बाद ऐड करेंगे टमाटर का पेस्ट, अच्छे से मिला लेते हैं। इसमें ऐड करेंगे 1/2 गिलास पानी। इसको थोड़ा टाइम के लिए भूनेंगे। थोड़ा टाइम के बाद ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद ऐड करेंगे 1/2 गिलास पानी। देखिए मसाले में तेल आना शुरू कर दिया है, कलर भी अच्छा आने लगा है। मसाला को बहुत ही अच्छे से भूनेंगे, नहीं तो अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। अब हम छोले डाल देते हैं। छोले को अच्छे से मसाले के साथ मिला लेते हैं।
शहद का इनके स्वाद के अनुसार नमक अच्छे से मिला लेते हैं। अच्छे से मिला लिया है, उसके बाद ऐड करेंगे चाय। ऐड करेंगे आधा गिलास पानी, उसके साथ ऐड करेंगे आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर और थोड़ा सा धनिया पत्ता। अच्छे से मिला लेते हैं। सूखा वाला छोले पसंद है तो आधा गिलास पानी डालने का ज़रूरत नहीं है, उसके बाद गरम मसाला और धनिया पत्ता डाल के उतार लें। अच्छे से मिला लिया है, लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे। पाँच मिनट के बाद खुल के देखते हैं, देखिए पूरा रेस्टोरेंट स्टाइल बना है, देखने में बहुत ही सुंदर लग रही है और खाने में बहुत ही टेस्टी है। रेडी हो गया है, गैस को ऑफ कर देती हूँ। गैस को ऑफ करने के बाद थोड़ा टाइम के लिए ढक के रख देती हूँ। बहुत ही इजी तरीके से बनाया है छोले मसाला, आप घर पे ज़रूर ट्राई करें। यह पूरी और भटूरे के साथ सर्व करें। मेरी रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर करके जरूर बताएं और नई नई रेसिपी देखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें।